हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिशियल लर्निंग वर्ल्ड। तो आज हम अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में एक और प्रोग्राम कवर करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। क्यूब से तो आप समझ ही गए होंगे, अगर एक मैं नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो हमें उसका क्या फाइंड होता है, क्यूब। फॉर एग्जाम्पल, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और इस तरह एन क्यूब तक, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सिंपली हमने इनको क्या करना है, प्लस, ठीक है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और अप टू एन तक, जहाँ तक यूजर की रिक्वायरमेंट है, जहाँ तक यूजर क्या करना चाहता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर फाइंड करना चाहता है, वो यहाँ पर एन एक लिमिट देगा, ठीक है। हमें वहाँ तक लूप चलानी है और इसका सम फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, मुझे यूजर से पूछना होगा नंबर, ठीक है। वो नंबर क्या होगा, मेरी लिमिट होगी जहां तक मुझे सम फाइंड करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंटर लास्ट लिमिट, ठीक है। और यहां पर मैं 2 स्पेसेस के बाद एक कोलन देता हूं, और यहां पर मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूं सी इन एन ओ, ठीक है, जो कि मेरा वेरिएबल जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था, ठीक है। इसके बाद मैं एक एंड लाइन कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप लगानी होगी। आप कोई भी लूप लगा सकते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, मैं यहां पर फॉर लूप लगा रहा हूं, ठीक है, जो ईजी रहेगा। अब मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी होगी, अगर आप होल नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं यानी 0 से, तो आप इसको 0 से भी कर सकते हैं, मगर मैं यहां पर नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो मैं int i इज इक्वल टू 1, यानी मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और जहां तक यूजर ने मुझे कहा है वहां तक मैं क्या करूंगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स फाइंड कर लूंगा। तो मैं लेस देन रख लेता हूं नंबर तक, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ आई में प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे एक और वेरिएबल लेना होगा जिसके अंदर मैं सम अपना स्टोर करूँगा, ठीक है। तो मैं बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, सम इज इक्वल टू 0 को इनिशियलाइज कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं करता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्यूब जो इस नंबर का है, आई मेरा वो नंबर है, ठीक है, आई का मुझे क्यूब फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि आई मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, ये मेरे पास एक मेथड है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपने मेरी पावर जो मैंने प्लेलिस्ट में एक प्रोग्राम अपलोड किया था पावर फंक्शन से रिलेटेड, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो फंक्शन क्या है, मैं आपको वो उससे बताता हूँ, ठीक है। उस फंक्शन में आप पढ़ने करना क्या होता है, सिंपली पावर लिखना होता है POW, और उसके बाद आपने वो वेरिएबल लिखना जिसकी आपने पावर फाइंड करनी है, और आगे आपने उसकी पावर देनी है। यहाँ पर मुझे 3 पावर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 3, और यहाँ पर मैं सिंपली सेमीकोलन लगाऊंगा, एंडलाइन करूँगा, जब ये लूप से बाहर आएगा तो ये सम इसका ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स में ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 से लेकर जहाँ तक यूजर ने इनपुट किया है, ठीक है, 1 2 लिख लेते हैं, ठीक है, 1 2, यहाँ पर एन ओ तक उसने कहा था, ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सम लिख लिया। अब ये इस जो पावर फंक्शन है, ये मैथ हेडर डॉट मैथ की एक हेडर फाइल है, उसके अंदर ये डिफाइंड है, ठीक है। अगर आपने मेरी वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा, मैं इसका प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आप उसे एक्सेस कर सकेंगे वहां से, ठीक है। उसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि ये पावर फंक्शन से हम कैसे किसी भी नंबर की फाइंड कर सकते हैं, पावर फॉर एग्जांपल स्क्वायर क्यूब, ठीक है, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी हेडर फाइल होती है math.h, ठीक है, सी मैथ आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को सिंपली रन करता हूं, ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम को देखते हैं, ठीक है। सिंपली फॉर एग्जांपल, मुझे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 100 तक चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में देता हूँ 100 और एंटर करता हूँ, और अब ये देखिए सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये तो मैंने बहुत लेंथी दिया। अब ये देखिए कि जो 100 है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 100 क्यों इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मैंने लेस देन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं लेस देन इक्वल टू रखूंगा तो ये 100 का क्यूब भी इसके अंदर इंक्लूड करेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि हम सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। और अगर आपने मेरी ये पावर वाली फंक्शन जो है ये मैंने यूज़ किया, इसका वीडियो वॉच नहीं की, तो प्लीज़ आप उसको वॉच कीजिए। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि पावर में हमने करना क्या होता है। सबसे पहले हमने आर्गूमेंट एक देना है कि जिसकी हमने पावर फाइंड करनी है, और कोमा लगा के आगे उसकी इतनी पावर हमने देनी है वो लिखनी है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये मैथ सी मैथ के हेडर फाइल में डिफाइंड है। अगर आप ये हेडर फाइल नहीं लिखेंगे तो सिंटैक्स एरर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने ये करना है, अगर आप पावर फंक्शन आपको नहीं आता तो आप सिंपली आई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी यहां पर लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।